आज मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ऐसे 5 क्वेश्चंस के बारे में बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। और अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर बोलना नहीं आता है तो आप ये 5 क्वेश्चन के आंसर इंटरव्यू में जाने से पहले पेपर में लिख लें और अच्छे से याद कर लें। और इसे इस तरह याद करें कि वहाँ जब आप बोलो तो ये ना लगे कि आपने याद किया है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसका मतलब है अपने बारे में जानकारी दो, जिसमें आपको अपना फुल नेम, अपने एजुकेशन, स्किल, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एंड हॉबीज़ के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू डू जॉब। इसका मतलब होता है आप जॉब क्यों करना चाहते हो। तो उस समय हमको एक पॉजिटिव आंसर देना है कि मुझे अपना करियर बनाना है, जिसके लिए मुझे जॉब का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है और मैं घर पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई हायर यू। इसका मतलब है मैं आपको अपॉइंट क्यों करूँ या मैं आपको जॉब क्यों दूँ। आप में ऐसा क्या है जो आए हुए सारे कैंडिडेट में नहीं है, मैं आपको सेलेक्ट क्यों करूं। तो उस समय भी आपको एक स्टैंडर्ड लेवल का आंसर देना है, जैसे कि इस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो मुझ में है, मेरे से अच्छा एम्प्लॉई आपको नहीं मिल सकता है, मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूं और हार्ड वर्कर हूं। तो इस तरीके का आपको आंसर देना है। फोर्थ क्वेश्चन होता है, तो वो स्टार्ट कर रही मैं फोर्थ वाला, जिसमें इंटरव्यूअर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आपके बोलने के हाव भाव, एक्सेंट और इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी को चेक करने के लिए आपके रेज्यूम यानी आपके बायोडाटा में जो आपने अपना हॉबी लिखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो कभी भी आप रेज्यूम में हॉबी लिखते समय वही लिखें जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो, ऐसे ही कुछ भी मत लिखो। जैसे कई लोग लिख देते हैं रीडिंग बहुत पसंद है, सामने वाले ने आपको पूछा कौन से राइटर की बुक आपको ज़्यादा पसंद है और उस समय आप खड़े होकर सोच रहे होते हो कि अब क्या बोलूं, तो वो समझ जाता है आपने ऐसे ही रीडिंग लिखा है या आपकी हॉबी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये आपका बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। आपको जो अच्छा लगता है वही लिखो, किसी का भी देख के सुन के आप अपने रेज्यूमे में वो चीज़ मत लिखो। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमेशा कॉमन होता है, सभी जगहों पर पूछा जाता है, जो है हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, यानी आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, कितना सैलरी आपको चाहिए। तो देखो इसके लिए ये आंसर आप ऐसे कुछ भी मत दे देना, इसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी आप वहाँ के जॉब के लिए कितनी सैलरी उन लोगों ने रखा है उसके बारे में थोड़ा आप पता कर लेना। और वो जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपको पता है कि वहाँ पे 10,000 से 15,000 तक की सैलरी वो लोग देने वाले हैं, तो आप उससे रिलेटेड ही आप बोलो, यानी आप 16 बोलो, 17 बोलो, ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि भाई हमको 50,000 की सैलरी चाहिए तो वो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसके लिए आप कभी भी, खाली मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपका 1 लाख का भी कहीं का पैकेज है तो आप पहले उसकी जानकारी ले लो कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पर सैलरी एक्सपेक्टेशन मतलब बाकी लोगों का कितना वहाँ पर ऑलरेडी सैलरी है, तो उसी हिसाब से आप बताओ, ठीक है। तो मे बी मैंने जो 5 क्वेश्चन बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर करके रखना। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलो, थैंक यू।